नमस्कार, आप देख रहे हैं शहरनामा। मैं हूं शेखर त्रिवेदी। आम आदमी पार्टी की प्रचंड जीत ने न केवल दिल्ली बल्कि पूरे देश को हैरान कर दिया है। वहीं पार्टी कार्यकर्ताओं का जोश भी सातवें आसमान पर है। क्या दिल्ली, क्या यूपी के तमाम शहर, हर जगह आम आदमी पार्टी की जीत का जश्न पूरे शबाब पर दिख रहा है। हम आपको दिखा रहे हैं पांच शहरों की तस्वीरें जहां कार्यकर्ताओं की खुशी देखते ही बन रही है। दिल्ली हो, वाराणसी, कानपुर या फिर मुजफ्फरनगर, ललितपुर, सभी जगह एक सी तस्वीरें दिखी। दिल्ली चुनाव के अधिकांश नतीजे घोषित हो चुके हैं और कुछ सीटों पर फाइनल रिजल्ट आना बाकी है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला है और पार्टी 70 में से 67 सीटें जीतने में कामयाब नजर आने वाली है। वहीं केंद्र में सत्ताधारी बीजेपी की दिल्ली में शर्मनाक हार हुई है। बीजेपी सिर्फ 3 सीटों पर सिमट गई है। यही नहीं, बीजेपी की मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार किरण बेदी खुद चुनाव हार गईं। कांग्रेस का तो और भी बुरा हाल है। देश की सबसे पुरानी पार्टी दिल्ली में खाता भी नहीं खोल पाई और वोट शेयर में भी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। अब अरविंद केजरीवाल 14 फरवरी को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। एक बार फिर रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। कृष्णनगर सीट से किरण बेदी को आपके एसके बग्गा ने हराया। जीतने के बाद बग्गा ने कहा कि किरण बेदी के नाम की घोषणा होते ही उनकी जीत पक्की हो गई थी। ये जीत का श्रेय किसे बताइए? जीत का श्रेय किसे? सर, जीत का सर मेरी पार्टी पब्लिक को मेरी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी को। कितने कितने वोटों से आपकी जीत हुई? 2500 वोट से। क्या किरण बेदी की हार है या मोदी की हार है? सर, मोदी की, सभी की हार है। इनकी सभी की हार है। मैं जीता, पब्लिक के विश्वास है, पब्लिक ने नकारा इनको। आपने बीजेपी के पारंपरिक सीट को जीता है, पिछले बार से के मुकाबले 2500 वोटों से जीता है, क्या कहना चाहेंगे? सर, ये ऐतिहासिक जीत हुई है। पब्लिक ने मेरे कार्यों को देखा हुआ है, सब लोग मेरे को जानते हैं। मैं लोकल था यहाँ का, वो बाहर की थी, कहाँ से आई किसी को पता नहीं है। लोगों ने मेरे काम काज को देखा हुआ पहले, और जो मेरे वादे किए हुए हैं उनको, वादे को पूरा करूंगा। इसके बग्गा जो किरण बेदी को 2500 वोटों से लगभग हरा के जीत हासिल की है। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। यूपी में भी आम आदमी पार्टी की जीत का जश्न धूमधाम से मना। वाराणसी और मुजफ्फरनगर में आप कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में जीत का जश्न मनाया। कानपुर और ललितपुर में भी आप कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया। और अब आपको दिखाते हैं दिल्ली में जश्न की 7 तस्वीरें। आम आदमी पार्टी की जीत पर कुमार विश्वास के पिता ने कहा कि आपकी जीत जनता जनार्दन की जीत है, और कहा कि आज कुमार विश्वास का जन्मदिन है, मैंने विश्वास को जन्मदिन की बधाई दी।
95% विजय मिली है। इस समय 67 सीटों पर आप आगे चल रही है, कांग्रेस शून्य हो गई है, भाजपा 3 पर सिमट गई है। ये बहुत बड़ी विजय है और इसका संदेश पूरे देश में जाएगा। कुमार विश्वास से सुबह बात हुई थी, उसका आज जन्मदिन है तो उसको बधाई दी थी जन्मदिन की, तो उसने कहा पापा आज तो सारा दिल्ली मुझे बधाई दे रहा है जन्मदिन की और कल आपके दर्शन करूंगा। दिल्ली चुनाव में बीजेपी के हार पर सेल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने ट्वीट किया है। डॉक्टर चंद्रा ने ट्वीट किया कि बीजेपी को दिल्ली की हार को नेचर के गिफ्ट की तरह स्वीकार करना चाहिए ताकि बड़ी समस्याओं से बचा जा सके। उन्होंने ट्वीट किया कि बीजेपी अपने शुभचिंतकों की अनदेखी कर रही है और दिल्ली चुनाव में हार की ये बड़ी वजह है। बीजेपी अध्यक्ष का एक समुदाय पर भरोसा दिल्ली में हार की बड़ी वजह है। दिल्ली में बीजेपी के हार के जख्म पर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने नमक छिड़का है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि मोदी लहर पर केजरीवाल की सुनामी भारी पड़ गई। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को नसीहत दी कि वो मतदाताओं को हल्के में ना लें। समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव ने आम आदमी पार्टी की जीत को मोदी सरकार की तानाशाही का जवाब बताया। उन्होंने आपकी जीत का समर्थन किया है। बीजेपी के नेता जो घमंड में चूर हो गए थे और जिस भाषा का प्रयोग कर रहे थे, कोई सभ्य समाज इस तरह की भाषा को बर्दाश्त नहीं करता और पसंद नहीं करता है। और दूसरे एक 9 महीने में मोदी जी ने जो सपने दिखाए थे उनमें एक को भी पूरा नहीं किया। अन्ना हजारे ने कहा है कि कभी भी नरेंद्र मोदी की हवा नहीं थी, बीजेपी ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए, इसलिए जनता के बीच विश्वास कम हुआ। अन्ना ने इसे नरेंद्र मोदी की हार करार दिया। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को नसीहत दी और कहा कि उन्होंने जो गलतियां पहले की वो अब ना करें। अन्ना ने कहा कि केजरीवाल मेट्रो से जाना, रामलीला मैदान में शपथ लेने जैसे दिखावे न करें बल्कि सादगी से काम करें जिससे जनता के बीच उनका विश्वास बढ़े। ये इतना अपयश बीजेपी को क्यों मिला, ये भी एक प्रश्न है। लोग कहते थे नरेंद्र मोदी जी की हवा बन गई, हवा बन गई, हवा बन गई। अरे ये हवा नहीं, हवा नहीं थी और ना हवा है। लोगों को जो आपने आश्वासन दिया था उसका पालन नहीं किया, इसके कारण विश्वासार्हता कम हो गई, ये कारण है। अरविंद से एक ही प्रार्थना रहेगी कि पहले मुख्यमंत्री बनने के बाद जो थोड़ी गलतियां हुई थी ऐसी नहीं करना। क्या गलती? मेट्रो से जाना, रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण करना। सैंपल, जितना आप सैंपल करेंगे उतने लोगों का विश्वास बढ़ेगा। भले आप मुख्यमंत्री बन जाए, आपका मंत्रिमंडल बने, लेकिन समाज और देश के प्रति जो जो काम अच्छा आपको बुरा दिखाई देता है, आंदोलन, आंदोलन को भूलना नहीं। चाहे मंत्रिमंडल बने कोने बने, लेकिन आंदोलन को भूलना नहीं। आंदोलन ही इस समाज को, इस देश को उज्जवल भविष्य दे सकता है। कौशाम्बी के कोखराज थाना क्षेत्र के भरवारी कस्बे में एक मंदबुद्धि किशोरी का अपहरण कर गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरिंदों ने किशोरी को 2 दिन तक बंधक बनाए रखने के बाद शनिवार की रात रेलवे स्टेशन पर छोड़ा और फरार हो गए। परिजनों ने मामले की सूचना भरवारी पुलिस चौकी और कोखराज पुलिस को दी, लेकिन पुलिस ने परिजनों को चौकी से भगा दिया। बाद में परिजनों ने न्याय के लिए एसपी दफ्तर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन पुलिस कप्तान की गैर हाजिरी में पीड़ित परिवार को यहां भी निराशा मिली। मीडिया में खबर आने के बाद पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ गैंगरेप का मामला दर्ज कर पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा। चलो हम दवा करा देते हैं, दवा कराने लेके गया, लेके गया, दवा किया और वहीं से हिमाचल लेके भाग गया। लेके भाग गया वहां से लेकर उसका बाप खोज कर ले आया, ले आकर हम कोला संत बाबू के घर में रख दिया। चार अपने मकान में रखा रहा था, पुलिस धावा लगी
तो जाकर चार पांच दिन के बाद हमारा रिपोर्ट दर्ज भाई। जब पांच दिन के बाद रिपोर्ट दर्ज भाई तो मैं बाद और उनके बाद कौन कार्रवाई नहीं, पुलिस सुनवाई नहीं करा। लखनऊ में शक्ति भवन के बाहर बिजली संविदा कर्मियों ने जबरदस्त हंगामा किया है, कई गाड़ियों में आग लगाई है, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इस घटना में एसपी ट्रैफिक घायल हो गए। मामले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 150 लोगों को हिरासत में लिया गया है। दरअसल विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति विद्युत परिषद बहाल करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रही। जब वो जुलूस लेकर मुख्यमंत्री आवास पर जा रहे थे तो पुलिस ने रोकने की कोशिश की, जिसके बाद संविदाकर्मियों ने आगजनी और पथराव किया। प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। अपने आप को नियमित किए जाने की मांग को लेकर आज संविदाकर्मियों ने शक्ति भवन के बाहर जमकर शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने कई गाड़ियां जला डाली और कई मोटरसाइकिलों को आग के हवाले कर दिया। यह हंगामा काफी देर तक चलता रहा और बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में किया। आपको बता दें कि इस दौरान कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। नीरज मिश्रा, जी मीडिया, लखनऊ। यूपी में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली किसी से छिपी नहीं है और कोर्ट के आदेश के बावजूद सुधार के कदम न उठाए जाने से नाराज अदालत ने यूपी के डीजी हेल्थ पर 10,000 का जुर्माना ठोका है। मामला कैंसर के इलाज के लिए बने प्रदेश के पहले राजकीय संस्थान की बदहाली से जुड़ा है, जहां मरीज को दाखिल करने की भी बुनियादी सुविधाएं नहीं है। इसके खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने कड़ा रुख दिखाया। अदालत ने डीजी हेल्थ को न केवल 10 मार्च को पेश होने का आदेश दिया, बल्कि कोर्ट के आदेश की अवहेलना पर उसके खिलाफ कार्रवाई का भी आदेश दिया, साथ ही डीजी हेल्थ पर जुर्माना भी लगाया। लखनऊ में डीजीपी ने एक महीने के अभियान के लिए निर्देश जारी किया है। निर्देश प्रदेश के सभी फील्ड अफसरों को दिए गए हैं। इसके अनुसार 24 घंटे में एनसीआर की जांचों और आदेश भंग करने वाले के खिलाफ एनएसए तामील की जाए। वहीं पेशेवर अपराधियों की हिस्ट्री शीट खोली जाए, साथ ही नए गिरोह को रजिस्टर्ड कराया जाए। इसके अलावा गैंगस्टर की संपत्ति को कुर्क किया जाए, जिस केस में कुर्की के आदेश मिल चुके हों वहां सख्त कुर्की हो। वांछित अपराधियों की योजना बनाकर गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए हैं, साथ ही जिस केस में चार्जशीट जारी हो गई है उसे जल्द से जल्द कोर्ट भिजवाने के निर्देश दिए गए हैं। लखनऊ में गोमती को साफ करने की मुहिम रंग लाती दिख रही है। करीब 2.5 दशक बाद गोमती का पानी कई जगहों पर पीने लायक हो गया है। नदी में साफ पानी देखकर लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं है। सिंचाई विभाग ने 16 चरणों में गोमती सफाई का अभियान बनाया है। विभाग के अफसर बता रहे हैं कि इस दौरान शहर के नालों के गंदे पानी को ट्रीट करने का काम भी पूरी तरह सुनिश्चित कर लिया जाएगा, ताकि गंदा पानी गोमती में न गिरे। पक्के पुल से और गोमती बियर तक, लामाट तक, तो उसमें हम सफाई कराएंगे। अब ये पानी को रोक दिया। अब केवल बचा हुआ पानी, जो पंपिंग स्टेशन को पानी दिया जाना है, उसके बाद बचा हुआ जो पानी होगा वो नीचे निकलेगा, वो नदी की तली तली में चलेगा। तो जो तली खाली हो जाएगी उसको मशीनों से साफ कराएंगे और मैनुअली साफ कराएंगे, और जो अंदर का पार्ट होगा, जो पानी वाला होगा, उसमें हम ड्रेजर उतार देंगे, तो अंदर की सफाई ड्रेजर से करा देंगे। इस तरह से पूरी तली एक साथ में साफ हो जाएगी। बहुत बढ़िया। पहले कैसा था? पहले तो रुका भया था, कुछ साफ हुआ है। अब ये नहाने का भी इसमें जान है, नहा सकते हैं इसमें। शाहजहांपुर में 8 साल के छात्र से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। घर पर पढ़ाने के लिए आने वाले शिक्षक पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। शिव कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता शिव कुमार, बताइए पूरा मामला क्या है और अब तक क्या कार्रवाई हुई है? शेखर, ये कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहाँ पर एक टीचर था, एक नामी ग्रामी स्कूल का छात्र था, उसको पढ़ाने के लिए घर पर आता था और पढ़ाने के साथ साथ दरवाजा बंद करने के बाद तो बोलता था कि उसका सिर हरकत पर चलने का था। उस बच्चे को ये बताया जाता था, टीचर बताता था कि ये इस कोर्स में शामिल है। उसके बाद वो लगातार हरकतें करता रहा,
जब परिवार के सदस्य को इस बात का शक हुआ तो उन्होंने नजारे को देखा और उस पर अश्लील हरकतें की जा रही थी उस वक्त। इसके बाद उस टीचर को मौके से पड़ती पिटाई की गई और उसको पुलिस के हवाले कर दिया गया है। फिलहाल परिवार वालों की तहरीर पर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसको जेल बंदी कार्रवाई की जा रही है। जानकारी देने के लिए शुक्रिया। शाहजहांपुर के रामचंद्र मिशन इलाके में बना रोजा पावर प्रोजेक्ट से रेडियोग्राफिक कैमरा चोरी होने का मामला सामने आया है। हाई रेडिएशन वाले इस कैमरे से छेड़छाड़ न हो इसके लिए पूरे जिले में अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस की कई टीमें इस कैमरे की तलाश में जुटी हैं। जानकारों के मुताबिक अगर रेडियोग्राफिक कैमरे से तोड़फोड़ या छेड़छाड़ की गई तो 10 मीटर के दायरे में लोगों की मौत हो सकती है, जबकि 100 मीटर के दायरे में आने वाले लोग अपंग हो सकते हैं। उधर रामचंद्र मिशन थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। ये रिलायंस पर जो सुरक्षा कर्मी लगे हैं उनके द्वारा कल चोरी की रिपोर्ट लिखाई गई है। एक रेडियो एक्टिव कैमरा चोरी होना बताया जा रहा है, जो वेल्डिंग के बाद जो ज्वाइंट होता है उसकी कुल फोटोग्राफी जोड़ों की करता है और उसकी उपयोगिता नहीं है उसके। उसको तलाशने की कोई टीम या किस तरह? हाँ हाँ, सभी लोग लगेंगे और इसको प्राथमिकता पर देखा जा रहा है कि कहाँ लैब्स हैं। इतनी सिक्योरिटी के बाद भी चोरी हो गया तो उनके लोगों से भी पूछताछ होनी है। प्लांट में रेडियोग्राफी कैमरा चोरी होने का मामला सामने आया है। ये कैमरा हाई सिक्योरिटी से चोरी किया गया है। साथ ही इस कैमरे चोरी होने के बाद पूरे जिले में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस कैमरे की अगर बात करें तो जानकार है उनका मानना है कि ये कैमरे को अगर तोड़फोड़ की जाए तो 10 मीटर के दायरे में भारी नुकसान हो सकता है, किसी की जान जा सकती है, साथ ही 100 मीटर के दायरे में किसी को भी अपंग बना सकता है। फिलहाल पुलिस ने कई टीमें बनाकर जो संदिग्ध लोग हैं उनकी तलाश शुरू कर दी। साथ ही दावा किया जा रहा है कि जल्द इस कैमरे की बरामदगी कर ली जाएगी। शाहजहांपुर दर्शक कुमार, जी मीडिया। बरेली के फरीदपुर में 5वीं की छात्रा से गैंगरेप के मामले में फरार चौथे आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में 3 आरोपियों को पहले ही पकड़ा जा चुका है। आपको बता दें कि 5 दिन पहले स्कूल जा रही छात्रा के साथ कार सवार 4 लड़कों ने अगवा कर गैंगरेप किया था। लोगों ने इस मामले पर काफी हंगामा किया। चौथा आरोपी भी गिरफ्तार हो गया है। अब इस प्रकरण में कोई गिरफ्तारी शेष नहीं है और 2 दिनों में सभी आरोपियों को जो दूर दूर भाग गए थे उसके बावजूद भी उनको हम लोगों ने पकड़ लिया है और वो जेल जा रहे हैं। 3 आरोपी पहले जेल चले जा चुके हैं और ये आरोपी जो आज पकड़ा गया है वो भी कल जेल चला जाएगा। बरेली के भूता थाना क्षेत्र में 2 गुटों के बीच हुए संघर्ष में एक शख्स को गोली लगने से वो घायल हो गया। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन पुलिस ने घायल शख्स के खिलाफ ही रिपोर्ट दर्ज की। घटना खाई खेड़ा गांव की है। यहां हरेंद्र नाम के शख्स का जनसेवा केंद्र है जिसमें कुछ दिनों पहले चोरी हुई थी। दूसरे जनसेवा केंद्र पर चोरी का कागज मिलने पर हरेंद्र ने पूछताछ की थी। आरोप है कि पूछताछ के बाद भानु ने कुछ लोगों के साथ हरेंद्र के घर पर हमला बोल दिया। उधर भानु का कहना है कि गोली उसे लगी है। पुलिस ने दबाव में उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। इधर पुलिस के मुताबिक कोई भी पीड़ित के परिवार से रिपोर्ट दर्ज कराने नहीं आया। गन्ना तोलाने गए थे और गन्ना तोलाते वक्त फिर उन लोगों ने मना किया था कि ये ट्राली हम तोलाएंगे। इन्होंने कहा हम तोलाएंगे और तोलाने के बावजूद थोड़ा इनमें विवाद हुआ। उन लोगों ने उसे मारा। पहले मारने के बाद फिर जब वहां से चले आए तब रास्ते में और थोड़ा बहुत हुआ, उसके बाद फायरिंग हुई थी। जब ये ट्राली लेने गया था दोबारा, हाँ जब ये दोबारा से लेने गया था ट्राली तब इन लोगों ने इसके फायर भी मारा। पहले मारा था इसे, मारने के बाद फिर इसके फायर मारा। गन्ना ट्राली के चक्कर में उसके बाद में हम ट्राली लेने जा रहे थे सेंटर पे, फिर जुआ लीलेंदर और रामचंद्र सिंह और गुड्डू ने अर्जुन सिंह मतलब अपने फार्म पर रास्ते में घेर के जुआ गोली मार दी। रंजिश वगैरह थी? रंजिश भाई यही गन्ना की मतलब गन्ना ट्राली तुलन के चक्कर में मतलब झगड़ा बन गया। फायरिंग की सूचना मिली थी, उसमें सुबह गए थे, तब तक ये सूचना इन्हें नहीं मिली थी कि इस व्यक्ति के भानु नामक व्यक्ति के गोली लगी है।
उस समय जो प्रधान का पक्ष है उन्होंने खाली तहरीर दी थी कि साहब इन लोगों ने हमारे ऊपर हमला किया लाठी डंडों से गोली की बात। हम ये घटना बाद की बता रहे हैं, दोपहर 2 बजे की, और वो घटना सुबह की थी, तो उसकी जांच की जाएगी और छानबीन की जाएगी। कन्नौज के एक प्राइवेट नर्सिंग होम में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। रिजवान नाम के शख्स को आवास विकास कॉलोनी के डॉक्टर आर सिंह हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर का गलत इंजेक्शन की वजह से रिजवान की मौत हुई। इसके बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। परिजनों की तहरीर पर नर्सिंग होम के मालिक और उसके एक साथी के खिलाफ सदर कोतवाली में केस दर्ज किया गया है। वहीं कोतवाली में मामले में कार्रवाई की बात कही जा रही है। बता रहा है कि आदमी मर गया था तो उसी हंगामा हुआ। ये तो डॉक्टर बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकता। बदला लिखने गया है तो कार्रवाई होगी, जो विवेचना आएगा वो कार्रवाई की। बांदा के निम्नीपार इलाके में 10 साल के बच्चे का बालू में दबा हुआ शव मिला है। मृतक के परिजनों ने पड़ोसी पर हत्या का आरोप लगाया है। ललितपुर में चोरों ने सैमसंग शोरूम का शटर तोड़कर लाखों का सामान चुरा लिया। सुबह शोरूम मालिक को वारदात की जानकारी मिली। घटना ललितपुर कोतवाली के मुख्य मार्ग की है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शोरूम से फिंगरप्रिंट उठाए हैं। पुलिस ने दावा किया कि जल्द ही चोरों को गिरफ्तार किया जाएगा। चोर एलईडी टीवी, एसी और मोबाइल फोन ले गए। Thank you.